हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिभूति है। कभी कभी ये समझ में नहीं आता आखिर ये प्रतिभूति होता क्या है। इसको इंग्लिश में सिक्योरिटी बोलते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रतिभूति एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। अब प्रमाण पत्र मतलब एक कागज होता है, ठीक है, जिसका विक्रय करके धन की उगाही की जाती है। मतलब उसको मैंने बेच दिया, उससे धन की उगाही कर ली। अब ऐसे तो बेचेंगे नहीं, उस पर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ना, तो ब्याज के रूप में हमको फायदा मिलता है। तो जिसने हमको बेचा हम उसको पैसे दे देते हैं और हमारे पास प्रमाण पत्र आ जाता है कि हमने उनका उनको पैसा दिया है। और जब वापस करते हैं तो हम अपना पैसा वापस कर लेते हैं, उनका कागज वापस कर देते हैं और पैसे के साथ में हमको थोड़ा सा ब्याज मिल जाता है। तो उसको एक प्रतिभूति बोलते हैं, कागज के रूप में होता है। कंपनियां अपनी कंपनियों को चलाने के लिए धन इन्हीं प्रतिभूतियों को बेच कर जुटाती है। तो जितनी भी कंपनियां हैं इनको बेच देती हैं प्रमाण पत्र को, पैसा जुटा लेती हैं, उसी से अपनी कंपनी चलाती हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रतिभूति दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है शेयर कैपिटल, कंपनी के लिए ध्यान रखना, शेयर प्रतिभूति यानी शेयर सिक्योरिटी होती है, मतलब शेयर्स निकालती है। और दूसरा होती है ऋण प्रतिभूति। जब शेयर की पूंजी भी कम पड़ जाती है तो कंपनियां क्या करती हैं, ऋण लेती हैं, जिसको डेट सिक्योरिटी बोलती है। इसको डेप्ट मत पड़ेगा, डेट बोलते हैं, डेट सिक्योरिटी। अब इसमें वो क्या करती है, तो इसमें वो डिबेंचर्स निकालती है। आपने डिबेंचर्स सुना होगा, तो वो ऋण पत्र होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स का मतलब ही होता है ऋण पत्र। तो आप समझ गए होंगे, सिक्योरिटी दो टाइप की होती है कंपनियों के लिए। एक शेयर प्रतिभूति होती है जिसको बोलते हैं शेयर सिक्योरिटी, और दूसरा होता है ऋण प्रतिभूति जिसको इंग्लिश में डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। शेयर प्रतिभूति के केस में शेयर्स निकालती है कंपनियां, और ऋण प्रतिभूति जब उसको ऋण लेती है तो डिबेंचर्स निकालती है। ये ध्यान देने वाली बात है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रतिभूतियां क्या होती हैं।